यहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल हर परचूनी दुकान में बोतल में मिलता है। किसी को पता नहीं कि कानपुर में ये पेड़ जगन्नाथ जी का है। चंद्रभागा बीच का नजारा। कोणार्क सूर्य मंदिर। बलभद्र श्रवण शक्ति, सुभद्रा इच्छा शक्ति, जगन्नाथ दर्शन शक्ति। ये पूरा कलिंग का मैदान है। एक्सीलेंसी में इनक्रेडिबल यात्री का स्वागत है। हाय, मैं हूँ ट्रेवलर प्रखर। पुरी से सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार। आज है यात्रा का तीसरा दिन और सुबह सुबह मैं आया हूँ दर्शन करने। एक बार फिर दर्शन करके फिर आज आसपास के मंदिर एक्सप्लोर करने। पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आसपास के मंदिरों के नज़ारे। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। महादेव, जय जगन्नाथ। जो बाबा के दर्शन हो चुके हैं, आज तीसरे दिन भी दर्शन बहुत बढ़िया हुए और दर्शन करके अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ पुरी से। अब पुरी के आगे हम लोग कोणार्क टेम्पल वगैरह अन्य मंदिर घूमेंगे। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी यात्रा रही, बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, बहुत ही पवित्र जगह है, चार धाम में से एक है, अद्भुत मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। जय जय महादेव, जय जगन्नाथ। चलिए अब चलते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं, फिर आपको और मंदिरों की नज़ारे दिखाएंगे। जय जगन्नाथ। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, यहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल हर परचूनी दुकान में बोतल में मिलता है। मतलब कल मैं आ रहा था तिलका लेक से, तो हर दुकान पे बोतल में रखा हुआ था पेट्रोल डीजल। तो पता चला कि उड़ीसा में ऐसा है, ट्रेंड है कि लोग महंगा ले लेते हैं लेकिन आसपास दुकान से ले लेते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते ही नहीं है। ये बड़ा ताज्जुब की बात लगी। अपने इधर हमारी तरफ यूपी वगैरह में तो गाड़ी ख़राब हो जाए तो बड़ी शक की नगाह से देखते हैं बोतल में देते हुए, और यहाँ हर जगह पेट्रोल डीजल रखा हुआ है हर परचूनी दुकान में। अलग अलग जगह की अलग अलग हुए हैं, करी चीज़ लगी, लेकिन जो मैं इनका बता दूं आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, इनसे मिलिए। ये है प्रभाकर दास जी जो ASI में है यहाँ पे, और सर ने काफ़ी मदद की हमारी मंदिर दर्शन वगैरह करवाने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे मंदिर के लिए, आप कुछ बताइए। मंदिर ये अनंग भीमा देव का नवमी शताब्दी का मंदिर है जी। ये मंदिर 180 फुट का ऊँचाई है जी। ये नमक हवा द्वारा चुना प्लास्टर था मंदिर में, चुना प्लास्टर नमक हवा द्वारा ये सब निकाल दिया गया। पुरातत्व विभाग हमारा उसको निकाल देगी, केमिकल ऑयल पेंट करके उसको सुरक्षित में अच्छा रखा गया। और मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है कि पद्म फूल पे कोमल फूल में मंदिर खड़ा है जी। इसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी। जगन्नाथ जी छोटा भाई, बलभद्र बलराम जी बड़ा भाई, और सुभद्रा बहन को देखकर भगवान यहाँ विराजमान है जी। ये शंखनाभ मंडल है, ये शंखनाभ क्षेत्र है। इस शंखगम क्षेत्र में जो आता है अन्नदान, उसी में सब महान होता है जी। जो अन्नदान भगवान का पास करते हैं, पंडित आदमी को खिलाते हैं, उसका बहु पुण्यवान अर्जन करते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ये समुद्र किनार में उपस्थित है जी। चार धाम में से एक है जी। यहाँ दिव्य सिंह महाराज यहाँ भगवान का मेन आदमी है। अच्छा, वो भगवान का जो रथ यात्रा होता है उसी में झाड़ू रथ का चरित्र झाड़ू लगाकर भगवान को विराजमान करके उसका बड़ी भगवान को
अच्छा, बाकी एएसआई का जो है वो सब संरक्षण का काम, संरक्षण काम जितना है सब सब एएसआई का, एएसआई का गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर में हो रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय जगन्नाथ। इसके नीलाद्री के ठीक सामने इसी से बुकिंग की हम लोगों ने आगे जाने की, कल चिल्का भी यहीं से गए थे। ये है और ये नाश्ता यहाँ से करा था, ये बहुत बढ़िया नाश्ता देते हैं यहाँ पे ठेलों पे, मज़ा आ गया, खस्ता और इडली खा के आनंद आ गया। चलिए फिर चलते हैं, अब विदा ले रहे हैं पूरी से पीछे जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ, जय श्री माता। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चलिए। ये आ गई है टेम्पो ट्रैवलर हमारी, सामान पैक कर रहा है ऐसा ऊपर, इसी से हम लोग निकल रहे हैं हम यहाँ से पूरी से और जगह घूमने। चलिए फिर चलते हैं। नाम क्या है भाई साहब आपका? नाम क्या है? ये बलराम जी हैं, इनका नंबर मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आसपास घूमने के लिए। सुना है उधर साइड आप लोगों ने, वहाँ जहाँ पे वार हुआ था वो जगह जाने के लिए माँ जी ये गाड़ी को छोड़ेगा नहीं, आपको 120 रुपया देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मुझे नहीं, गवर्नमेंट को दोगे गवर्नमेंट वो पर्ची देगा आपको। ठीक है, ये एजेंट लोगों का ये प्रॉब्लम है, दिन भर आप लोगों के साथ घूमूंगा अच्छे रहूंगा, लास्ट टाइम जब आएगा 50-100 मिलने के बजाय गाली पड़ेगा, ये सीट ऐसा है। क्या नाम है आपका? सरोज, सरोज जैना। सरोज, सरोज जैना, सरोज जैना नाम। जी जी, चलिए। मौसी जी का मंदिर है ये, या मौसी जी का दूसरा है? नहीं नहीं, मौसी का है। मौसी जी का मंदिर है, यहीं से जाती है रथ यात्रा? नौवे दिन यात्रा हुआ है, इसमें पूजा, नौवे दिन, नौ दिन यहीं पूजा होती है। ये गुंडीचा मंदिर है, ये मौसी जी का मंदिर यही है, गुंडीचा मंदिर, रथ यात्रा यहीं से निकलती है मंदिर की तरफ के लिए। जय जगन्नाथ। अंदर अभी अलाव नहीं है, ये दर्शन कीजिए बाद। छोड़ के चले आए, 10 रुपया वाला प्रसाद मेन है। अच्छा, तो लाल कपड़े में हम मिला है ना? हाँ तो ठीक है। वो अभी हम जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, वहाँ से 22 किलोमीटर दूर एक माता का मंदिर आएगा, दुर्गा का स्वरूप है वो, उड़िया में बोलते हैं माँ मंगला। अच्छा, वो तीनों पंडा जाएंगे उधर, उनका माता का इशारा रहेगा किस दिशा में जगन्नाथ जी का है, किस दिशा में बलभद्र जी का है, किस दिशा में बैल सुभद्रा, किस दिशा में सुदर्शन महाप्रभु का दारू है, लकड़ी को दारू बोलते हैं। अच्छा, मान लो एक नीम का पेड़, मान लो यूपी में है, कानपुर में, मान लो कानपुर में, किसी को पता नहीं कि कानपुर में ये पेड़ जगन्नाथ जी का है, जिस दिन से डिक्लेयर हो जाएगा कि यही जगन्नाथ जी का दारू है, नीम का पत्ता कभी चखा है आपने? कैसा लगता है? मतलब करेला खाने का टाइप। लेकिन जिस दिन से डिक्लेयर हो जाएगा कि यही जगन्नाथ जी का दारू है, उसी दिन से चीनी भी फीका हो जाएगा उनके सामने, वो पता। अभी जो ब्रिज के ऊपर आए ना, वो नदी का है, नदी का, नदी का मिलन है उधर, समुद्र और नदी का मिलन है, समुद्र और नदी का मिलन है वो वाला। जान लो कि ये जगह का नाम इसीलिए चंद्रभागा है, सूर्यदेव यहाँ से निकलते हैं, तो चंद्रमामा भाग गए, चंद्रमामा भाग जा रहे, इसीलिए इसीलिए ये जगह का नाम है चंद्रभागा। ये है हमारा पहला स्टॉप चंद्रभागा। ड्राइवर साहब को अच्छी खासी नॉलेज है, हमें बढ़िया लगा सुन के। तो चंद्रभागा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है सूरज यहाँ से उगते हैं और पहली किरण जो है वो कोणार्क में जाती है, उसके बाद दुनिया भर में जाती है, तो चंद्रमा जी के जाने की, तो इसलिए भागने का नाम ले दिया चंद्रभागा, क्योंकि सूरज की पहली किरण निकलती है। चलिए चलते हैं, ये है चंद्रभागा।
ये देखिए चंद्रभागा बीच का नजारा शानदार। बहुत बढ़िया जगह है ये, खूब आनंद आ रहा है, शानदार। हर्षल भाई जाते हुए कैसा रहा? बढ़िया, मजा आ गया। चलिए नारियल पानी पिया जाए, यहाँ पे आए और नारियल पानी ना पिए तो कैसे चलेगा। चंद्रभागा बीच से अब हम आ गए हैं कोणार्क मंदिर की तरफ। ये रास्ता टेम्पो वगैरह नहीं जान दे रहे हैं क्योंकि कल राष्ट्रपति आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये सही वाले भाई साहब हैं भागीरथ जी, उनसे बात हो गई है, एंट्री पे हमें मिल जाएंगे वो कोणार्क मंदिर जाते हुए। ये देखिए ये है सन टेम्पल कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। ये भागीरथ जी हमारे एसआई वाले। भागीरथ जी मिल चुके हैं हम लोग को, एएसआई से हैं वो, इसलिए स्पेशल एंट्री हुई है। ये हैं भागीरथ जी एएसआई में हमारे। सर क्या कहना चाहेंगे, मंदिर कैसा चल रहा है एएसआई के अंदर? एकदम बढ़िया चल रहा है, राष्ट्रपति का प्रोग्राम है 22 तारीख को। जी जी, साफ सफाई। अच्छा, इसीलिए अरेंजमेंट हो रहा है जी। और मंदिर सर बहुत प्राचीन है, कब तक का है? कितने से वर्ष पुराना? 1200 शताब्दी का है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। आदमी का प्रहती, हाथी का प्रसेद, तो मतलब तीन धर्म का प्रति होता है। तीन धर्म का प्रति, ठीक है। हिंदू धर्म का, ठीक है। हाथी होता बौद्ध धर्म का जी, शेर होता हिंदू धर्म का। अच्छा, हिंदू धर्म का दबा रहा है बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म फिर भी दबा रहा है हिंदू धर्म, ठीक है। उसका नेक्स्ट से भी शेर होता दुर्गा माता, शक्ति हाथी होता वेल। अच्छा जी, पैसा और शक्ति सब एक आदमी के पास बराबर जो होता आदमी अहंकारी होता है जी, अहंकारी विनाश होता है, दैट मीन स्ट्रेंथ एंड वेल्थ किल द मैन। अच्छा, होता कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार, अच्छा सिंह द्वार। हलफा ऑडियंस जहाँ पब्लिक खड़ा होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं। अच्छा, हलफा ऑडियंस। उसका पीछे था गर्भगृह मेन टेम्पल, इनसे डबल हाइट था, ये मंदिर टूट गया। भगवान सूर्य जब सुबह प्रकाश करता उसका किरण जी, जाके सुबह उसका मूर्ति का गिरता था, पूजा होता था, ठीक है। ये मूर्ति ने ब्रिटिश लोग लेकर चला गया इंग्लैंड, ठीक है। और वो ब्रिटिश लोग 1903 में इसको भी बंद किया, लॉर्ड कार्जन सब समझते हैं। हाँ, लॉर्ड कार्जन ने, लॉर्ड कार्जन ने इसको बंद किया 1903 में, ये मंदिर को सेव करने के लिए बंद किया। अच्छा, बंद कर रखा। अच्छा, अच्छा। और ये मंदिर का डिजाइन होता है सूर्य के रथ 24 पहिया और 7 घोड़े, ठीक है। 24 पहिया होता 24 घंटे के लिए, 7 घोड़े होता 7 घंटे के लिए। कलिंग वर्क बाद में मंदिर बना ना, राजा थोड़ा पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए उसका इच्छे थे। अब मंदिर का नीचे बनाया सब जानवर का मूर्ति, एनिमल किंगडम बच्चे लोग के लिए। अच्छा, और मंदिर के बीच में चारों तरफ से देखेंगे सेक्सुअल लटका मसूता जवान आदमी के लिए, मंदिर ऊपर से देखेंगे भगवान मूर्ति मुर्दा आदमी के लिए, ह्यूमन स्टेजेस चाइल्ड यंग और थ्री स्टेजेस ऑफ दिस। राजस्थान घाघरा ड्रेस चौहानी देखिए, ये राजस्थान की घाघरा ड्रेस, ये वाली 800 साल पहले का, 800 साल पहले की। ये देखिए ये है कोणार्क मंदिर, गर्भगृह जो है वो खंडित है, मूर्तियां नहीं है उसमें, नॉर्मल परमिशन नहीं है जाने की। ये है कोणार्क मंदिर, धूप बहुत तेज हो रही है। 8 और 8 प्रहर 24 घंटा जी। ये पूर्व दिशा है, यहाँ पर आप लोग हाथ लगाएगा ऐसा, यहाँ हाँ यहाँ इधर करेगा तो सुबह 6 एंटी क्लॉक वाइज, हम लोग घड़ी होता है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज 6, ये बोला 7:30, ये 9, ये 10:30, ये 12, ये 1:30, ये 3, ये 4:30। अपना देखिए हाथ के सेट, देखिए
देखिए कैसे शेड आता है सीधा इधर इधर आ रहा है। हाँ इधर आ रहा है। 1:30 हो जाएगा टाइम। चाइना ड्रैगन का ये बड़ा जो जाना है हाथी उसका ऊपर चाइना ड्रैगन उसी टाइम से चाइनीज आर्टिस्ट भी यहाँ आया था काम करने के लिए। ये जो राजा मंदिर बना है नरसिंह देव ये बड़ा राजा रानी का सीता देवी होता उसका पत्नी राजा होता नरसिंह देव। सर जीरा आप देखिए जो हाथी के सामने से फ्रंट में खड़े हैं ना लंबा जानवर गर्दन उसका लंबा उसका पैर दिखे लंबा वो साउथ अफ्रीका राजा नरसिंह देव आया था नरसिंह देव को प्रेजेंट करते जिराफ। अच्छा। और हम लोग जो अभी 10 रुपया लोट में चक्कर का फोटो आया कोणार्क चक्कर का ये वाला नया वाला 10 रुपया लोट रिजर्व बैंक प्रिंट ये वाला है 10 रुपया नोट में जो ये मूर्ति लगी है उसके नीचे वाला। सूर्य के पश्चिम का मंदिर छाया देवी छाया देवी आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी किया है जाने के लिए छाया देवी मंदिर है सूर्य भगवान की पत्नी। 8 साल पहले देखो एक लड़की के हाथ में भैलेंटी बैग ये वाला। ये माधव मंदिर कोई आप लोग का ये है मेन मंदिर परमिशन लेके जाते देखने ये साफ बोलेंगे तो हो जाएगा। क्या बोले आप फोन किया फोन बात ही नहीं हो पा रही सिग्नल आ रहा है ना कट रहे हैं अब आराम से आएंगे फिर जाएंगे अंदर। ये था मेन टेंपल जो ध्वस्त हो चुका है अब यहाँ पे सिंहासन बचा है मूर्ति नहीं है। अब आश्रम जो वस्तु क्या बड़भद्र का आग देखेगा लंबा और सुभद्रा जो बीच में बहन बेटा उसका आग लंबा और जगन्नाथ जी जो बेटा उसका गोलाकार है गोलाकार है गोलाकार तो देखिए विश्व में किसका गोलाकार आग नहीं है श्री जगन्नाथ जी का। बड़भद्र श्रवण शक्ति सुभद्रा इच्छा शक्ति जगन्नाथ जी दर्शन शक्ति लुकिंग पावर। तो हम लोग का पलक पड़ता ना ऐसा आग का जगन्नाथ जी का पलक नहीं पड़ता और जगन्नाथ का बाहू बाजू में बैठा सुदर्शन। सुदर्शन क्या है आप देखिए सर आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं अपना पास एक पावर है आप लोग कुछ लेके देगा 5 आदमी मर जाएगा आप लेके देगा 5 आदमी बच जाएगा। अपना हाथ होता बोलता ना अपना हाथ जगन्नाथ अपना हाथ होता कर्म सुदर्शन शक्ति। सुदर्शन मतलब सुदर्शन महाभारत युद्ध में गया ना सब काट के आ गया सुदर्शन होता कर्म शक्ति। बलभद्र श्रवण शक्ति सुभद्रा इच्छा शक्ति जगन्नाथ दर्शन शक्ति अपना हाथ होता कर्म शक्ति। ये हमारे गाइड हैं जटाधारी जी और बहुत बढ़िया इन्होंने बताया कोणार्क टेम्पल आप जब भी आओगे तो ये आपको मिल जाएंगे जटाधारी जी करके। एसआई का ऑफिस है यहाँ पे नीरज सिंह जी हैं हेड हैं जो वो हमारे इनक्रेडिबल यात्री ग्रुप से जुड़े हुए हैं लेकिन कल राष्ट्रपति आ रहे हैं इसलिए व्यस्त चल रहे हैं वो तो मुलाकात नहीं हो पाई हमने अपना बैच दे दिया उन्हें लोगों इनक्रेडिबल यात्री का। चलिए फिर निकलते हैं ये जगह धौलागिरी है और शिव जी का मंदिर है धवलेश्वर करके और पीछे बुद्ध जी का मंदिर है। ये देखिए नज़ारा पहाड़ी के ऊपर से ये था बाबा का दरबार हर हर महादेव धवलगिरी मंदिर। जय श्री मां। ये देखिए ये बुद्ध मंदिर है बना हुआ है ये मैदान
ये पूरा कलिंग का मैदान है, कलिंग का युद्ध हुआ था यहाँ पे, इसीलिए ये जगह फेमस है। तो बुद्ध का साची स्तूप है तो वो इसीलिए ये जगह फेमस है क्योंकि कलिंग का युद्ध हुआ था यहाँ पे, पूरा मैदान वही है। ये है अशोक किला। ये मेन गेट है एंट्री का यहाँ से, लेकिन बताते हैं 200-300 सीढ़ियाँ हैं, इसीलिए ये टेम्पो करा यहाँ से, वो पीछे से लेके गया हमें दूसरी रास्ता से। अब हम लोग आए केदार गौरी मंदिर में, ये 12वीं सदी का मंदिर है केदार गौरी। गौरी जी का मंदिर है केदार गौरी जो नाम है, और ये बाबा बद्री नारायण और केदारनाथ दोनों का मिला हुआ स्वरूप है अंदर मंदिर, विष्णु जी और शिव जी का मिला हुआ स्वरूप के दर्शन। ये खंडगिरी है और वो सामने जो जैन मंदिर है पीछे वो उदयगिरी है, जो व्हाइट सा दिख रहा है ये उदयगिरी है, और ये खंडगिरी की गुफाएं हैं। यहाँ पे एंट्री का टाइम बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एएसआई का होल्ड है, तो परमिशन मिल गई है। खंडगिरी बहुत बढ़िया गुफा है, लेकिन अभी रात में शूट वगैरह नहीं हो पा रहा है, अंधेरा है, लेकिन अच्छी जगह है देखने की, जब भी आएगा यहाँ जरूर देखिए। लस्सी और जूस। ये है हमारा होटल, होटल एक्सीलेंसी। तो फाइनली हम लोग भुवनेश्वर आ चुके हैं, और ये है होटल एक्सीलेंसी, ये हम लोगों ने ले लिया है, 2 दिन के लिए यहीं स्टे करेंगे, आज स्टे करेंगे और कल नंदनकानन और लिंगराज टेंपल बचे हैं तो वो दोनों देखेंगे। जय जगन्नाथ। पूरी यात्रा में आज हमारा स्टे भुवनेश्वर में है, और मैं होटल एक्सीलेंसी में रुका हुआ हूँ, और यहाँ के जीएम साहब आशीष जी हैं हमारे साथ, और वो कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं सभी इनक्रेडिबल यात्रियों के लिए। तो आशीष जी बताइए। जी नमस्कार। एक्सीलेंसी में इनक्रेडिबल यात्री का स्वागत है। जितने भी इनक्रेडिबल यात्रियों के थ्रू आएंगे, जो भी यात्रियों हैं, उनको हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, और उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट और सरप्राइज भी उनके लिए कंडक्ट किया जाएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग कभी भी आए तो ये होटल एक्सीलेंसी में भुवनेश्वर में, मैं इसका लिंक जो है इस यूट्यूब वीडियो में डाल दूंगा, बाकी ग्रुप में भी मैंने पोस्ट कर दूंगा ये, तो आप लोग इजिली मुझसे और आशीष जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। तो ये थे होटल एक्सीलेंसी के जीएम साहब आशीष जी। तो आप लोग जब भी आए यहाँ पे, जो स्पेशल इनक्रेडिबल यात्रीज हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट आशीष जी देंगे। तो ये है हमारा होटल का रूम। आज का दिन बढ़िया कटा, अब डिनर करने जा रहे हैं, डिनर करते हैं।
ये है भुवनेश्वर शहर, टहलते हुए भुवनेश्वर में। चलिए फिर, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जगन्नाथ, जय श्री महाकाल। आज का दिन बढ़िया कटा, अब कल घूमेंगे यहाँ आसपास लोकल में, कल के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे आसपास के, यहाँ ज़्यादा जाएंगे। आज के लिए ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ।